नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप सभी खुश हों, स्वस्थ निरोग हों, ऐसी प्रार्थना करते हुए ईश्वर से आप सभी के लिए एक नई जानकारी लेकर हाजिर हूँ। आपने बहुत सारे फ्रूट के बारे में सुना होगा, बहुत सारे फल को खाए होंगे आपने। तो आइए आज की वीडियो में जानते हैं ड्रैगन फ्रूट। जी हाँ दोस्तों, ये गुलाबी रंग का और अंदर सफ़ेद और ये बीज दिखता हुआ जो ये फल है, बहुत ही विटामिन प्रोटीन से भरा हुआ है, हमारे सेहत के लिए बहुत ही लाभप्रद है। स्वस्थ कहते हैं रहना सबसे बड़ा सुख माना गया है, क्योंकि जब तक व्यक्ति स्वस्थ है तभी तक उसको सारा संसार सुख में लगता है। तो अगर आप भी स्वस्थ रहना चाहते हैं तो इस फल का सेवन ज़रूर करें। इसको वॉश करें और इसका जो अंदर वाला पार्ट है, ऊपर का छिलका, ये निकाल करके गुलाबी रंग का पार्ट, अंदर का भाग खाना चाहिए। तो अगर आप फल के शौकीन हैं या स्वस्थ रहना चाहते हैं तो ज़रूर इस फल का सेवन करें। अगर इसके फायदे को आप जान लेंगे तो ज़रूर इसका सेवन करेंगे। इसमें 90% पानी होता है। जी हाँ दोस्तों, हमारे शरीर में 75% उससे ज़्यादा ही पानी इसमें पाया जाता है, इसलिए हमारी चर्बी को कम करता है। अगर हम इसका सेवन करते हैं तो हफ्ते में 2-3 दिन तो खा ही लेना चाहिए यदि संभव हो। यह हमारे कोलेस्ट्रॉल को, जो कि आज एक आम समस्या बनी हुई है, तो कोलेस्ट्रॉल को ये कम करता है। इसके बीज में ओमेगा 3 ओमेगा 6 कैंसर के लिए भी लाभप्रद है। आप बहुत सारी चीज़ें खाते होंगे, पान सुपारी लोग उसमें शराब में किसमें पैसा खर्चा करते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद ही हार्मफुल है। लेकिन अगर ये सेवन करें से छोड़कर तो इतना महंगा भी नहीं कि आप नहीं खा सकते, और ये मॉल या जहाँ पर सब्जियाँ या फल मिलते हैं ज़्यादा मात्रा में, वहाँ पर आपको आसानी से मिल जाएगा। ये कैंसर से लड़ता है, साथ ही साथ हमारी हड्डियों को, जोड़ों के दर्द को इत्यादि को मजबूत बनाता है। यदि गर्भावस्था में इसका सेवन किया जाए, कोई नारी गर्भवती हो तो उसको भरपूर आयरन इस फ्रूट से मिल जाता है। ये हमारे ब्लड शुगर को भी कम करता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है और ये हमारे लिए बेहद लाभप्रद होता है। फ्लेवोनोइड फेनोलिक एसिड भी इसमें पाया जाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों को भी ये रोकता है। हड्डियों में हमारे कैल्शियम की ज़रूरत होती है, दांतों के लिए फास्फोरस कैल्शियम, तो वो भी ये हमें भरपूर मात्रा में देता है। और अस्थमा में ये बेहद लाभप्रद है। एनीमिया महिलाओं को हो जाती है आयरन की कमी, तो इसका सेवन उन्हें ज़रूर करना चाहिए। विटामिन B3 की बात करें तो हमारे त्वचा के लिए बेहद लाभप्रद होता है, जो कि इस फल में बेहद मात्रा में, भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो इसका सेवन आप समझ सकते हैं कितना लाभप्रद है। एक फल बहुत सारी बीमारियों से आपको निजात दिला सकता है। तो नाश्ते में इसे खाली पेट खाएं तो पूरा आप इसका लाभ उठा पाएंगे। शाम को खा सकते हैं स्नैक्स के रूप में, या आप इसका शेक बनाकर दूध के साथ आप पी सकते हैं तो भी ये अच्छा लगेगा, थोड़ा सा मीठा डाल लीजिए। तो इसका सेवन करिए और स्वस्थ रहिए। एक नई जानकारी के साथ मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहें हमारे साथ। नमस्कार, बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद।